और अब वो वक्त आ गया है जब हम लोग, वो पहली कॉमर्शियल फ्लाइट है उसमें बोर्ड करने की तैयारी पूरी हो चुकी है और यहाँ पर जो स्टाफ है वो एक एक करके लोगों को आगे भेज रहा है और जो भी लोग जा रहे हैं जय श्री राम के नारे लगाते हुए, और जो भी लोग जो है यहाँ पर जा रहे हैं वो एक अलग ही अनुभव है। देखिए कुछ इस तरीके का जो है जो सबको एक संदेश भी दिया जा रहा है, और जब वो फ्लाइट में बोर्ड कर रहे हैं तो पूरी फ्लाइट इस वक्त जो है भगवामयी नजर आ रही है। आप लोग भी जय श्री राम के नारे लगाते हुए। तो देखिए ये जो है फ्लाइट में तमाम लोग सहयोगी मीडिया भी है और उसके अलावा तमाम वो ट्रेवलर्स भी जो इस पहली फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं, पहली कॉमर्शियल फ्लाइट। देखिए जय श्री राम के बाहर के नारे और अंदर भी कुछ उसी तर्ज पर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये वो पहली फ्लाइट है जो पहली कॉमर्शियल फ्लाइट जो लैंड करेगी अयोध्या के श्री वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। फ्लाइट में बोर्ड हो गए, बहुत मजा आ रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे, और लोग हर कोई जो है तैयारी कर रहा है अपने अपने तरह से। क्या अनुभव बोर्ड? बहुत मजा आ रहा है, बहुत एक्साइटेड, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत एक्साइटमेंट है। और ये जो तस्वीरें हैं ये फ्लाइट के अंदर की, अमूमन हम लोग जो है फ्लाइट के अंदर शूट नहीं करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा अनुभव है जिसको आप तक पहुंचाना जरूरी है तमाम दर्शकों तक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर कोई वहां पर पहुंच पा रहा है पहली फ्लाइट में, या हो सकता है आप अगर जाएं भी तो आपको कुछ वक्त गुजारना पड़े उसके बाद में आप वहां पर पहुंच पाए, लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जो दिखाना बेहद जरूरी है हर दर्शक के लिहाज से, हर उस राम भक्त के लिहाज से जो इस वक्त टीवी देख रहा है। देखिए फ्लाइट के अंदर भी जय श्री राम, सियावती रामचंद्र की जय श्री राम। पूरी फ्लाइट इस समय राममय हो गई, अगर ये कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा, और इसी वजह से तमाम लोग जो जी हाँ हाँ आगे भी आगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, पूरी फ्लाइट आगे बढ़ते रहिए जिससे कि टाइमली हम लोग वहां पर जो है पहुंच भी पाए। तो ये वो फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें जो अमूमन, फिर मैं दोहरा रहा हूं, हम लोग नहीं जो है शूट करते इस तरह से, लेकिन क्योंकि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है एविएशन इंडस्ट्री के लिहाज से भी, क्योंकि पहली जो कमर्शियल फ्लाइट है वो लैंड कर रही है श्री वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या पर, और इसी वजह से ये तस्वीरें अपने आप में हो जाती हैं काफी अहम। अब पूरे यात्रा में हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा सके, लेकिन इस वक्त अब क्योंकि फ्लाइट टेक ऑफ करने की तैयारी हो रही है लिहाजा अब इस वक्त के लिए दिल्ली से इतना ही। अब हम जो तस्वीरें आपको दिखाएंगे वो अयोध्या पहुंचने के बाद में पूरे रास्ते भर किस तरीके का माहौल रहा है और अयोध्या पहुंचने के बाद में किस तरीके की तस्वीरें नजर आती हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस वक्त दिल्ली से इतना ही, लेकिन ये सफर अभी रुका नहीं है, सफर है जारी क्योंकि अयोध्या पहुंचने की है बारी। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंकित गुप्ता दिल्ली एयरपोर्ट से, या यूं कहूं कि उस फ्लाइट से जो पहली कमर्शियल फ्लाइट लैंड होने वाली है अयोध्या में।